भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी रानिया से कैंडिडेट भाई शीशपाल जी कंबोज और हमारे रानिया हलके से चारों मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं जितने भी हमारे सीनियर साथी मीरचंद मेहता जी, जितेंद्र जी और जितने भी साथी यहाँ पर हैं, और आप सभी का आज इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी के और हमारी मातृशक्ति जो इधर बैठी है इनका और हमारे मीडिया के साथी, आप सभी का आज इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो साथियों, हमारे पिछले कई दशकों से एक मन में हर एक जो भी कार्यकर्ता था उसके मन में एक टीस थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में से किसी जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता और सीनियर साथी जिन्होंने हलके में पूर्ण रूप से काम किया और हर आदमी को अपने साथ लेकर चले हों, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देके और हमारे बीच में भेजी। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच हमारे बहुत ही हरमन साथी जिनके पास चाहे आधी रात को भी को काम करने लेने के लिए गया तो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये किस टाइम आए या किस टाइम नहीं आए। ऐसे हमारे शीशपाल जी कंबोज को कमल फूल का फूल निशान देकर हमारे बीच में भेजा है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब दोस्तों, बात के भारतीय जनता पार्टी पहले जब शीशपाल जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे उस समय की अगर बात करें तो उस समय जब इनके हाथ में कमान आई तो इन्होंने रानिया क्षेत्र का इतना विकास किया कि शायद जो पीछे कई पार्टियों के विधायक मंत्री रहे उन्होंने भी नहीं करवाया होगा। आप देखो कि सबसे पहले हमारी जो सबसे पुरानी मांग थी वो थी कि हमारी बेटियां, हमारी छोटी छोटी बहनें वो कॉलेज के लिए सिरसा तक बड़े बड़े आगे तक जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन इनके प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों से हमारे यहाँ पर जो गर्ल कॉलेज बना वो भी शीशपाल जी कंबोज के नेतृत्व में बना। उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसकी बिल्डिंग के इतनी जर्जर हाल थी कि वहां पर डॉक्टर भी डरते हुए बैठते नहीं थे कहीं ये ना हो मरीज का इलाज करते करते हमें अपना इलाज करवाना पड़े, ऐसे हालात थे उस हॉस्पिटल के। शीशपाल जी ने प्रयास किया, हमारे और नेताओं ने प्रयास किया, तो आज आप जाकर देखिए रानिया का जो यहाँ बना हुआ जो हॉस्पिटल सरकारी बिल्डिंग है वो ऐसे लगते जैसे हम किसी बड़े मॉल में आ गए हों। इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, सभी तरह के डॉक्टरों के प्रबंध किए हुए हैं, मानसिक रोग के डॉक्टर भी बैठते हैं, लैब का प्रबंध है, गायनी प्रबंध है, हर तरह का प्रबंध उस हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारी मांग थी ये जो कुत्तेवट वाला पुल, बहुत सारे पार्टियां आई गई, उन्होंने अपना बहुत सारे लीडरों ने नारियल भी फोड़े, लेकिन अंततः उसका जो काम है उसकी जो उसको शिखर चढ़ाने का जो काम है, पुल बनाने का जो काम है, वो भी भाई शीशपाल कंबोज जी द्वारा ही करवाया गया। रानिया में आईटीआई कॉलेज देखो, वो मुल्तानी धर्मशाला में चलता था और आज आईटीआई कॉलेज की आप बिल्डिंग देखिए, वो भी हमारे शीशपाल कंबोज जी के जब उनके पास कलम थी उस टाइम उन्होंने ये बनवाने का काम किया। गांव में सड़कें, गांव में आप जाकर देखिए जितना पैसा शीशपाल कंबोज जी ने अपने जब समय तो उस टाइम लगवाया उससे ना पहले कभी लगा है और ना कभी बाद में लगा है। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूँ कि आप सभी आज से ही हमने जुट जाना है और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ रही है तो हमने भी सरकार के हिस्सेदारी बढ़ना है, और हम सरकार में हिस्सेदारी तब लाकर दे सकते हैं जब शीशपाल कंबोज जी को हम विधायक बनाएंगे। और एक बात और भी है, रानिया से अगर हम शीशपाल कंबोज जी को जितनी ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे और मुझे पता भारतीय जनता पार्टी उतना ही बड़ा मंत्री रानिया क्षेत्र के लिए, सिरसा क्षेत्र के लिए शीशपाल कंबोज जी को बनाएंगे। तो ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा हमें प्रतीत भी हो रहा आप सबके सहयोग से, आप सबसे जो आपका
जो इतना इकट्ठा अपा ने किया है, तो आप सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और शिषपाल कंबोज जी को रानिया क्षेत्र से विधायक बनाना है। जय हिंद, जय भारत।